So now we are going to begin with section number D. This is going to be question number 23 of set 1, question number 29 of set 2 and 3. Question बहुत बार पहले भी हम solve कर चुके हैं, ये पुराने जो exam हम जब भी करते हैं तो ऐसा question जरूर होता है. Basically question आपका NCERT में से है, बस उसके numbers digits change होके ये आ जाता है. So the question is, two water taps together can fill a tank in 7/8 hours. अगर एक टैंक है और उसके ऊपर दो टैप्स हैं, दोनों टैप्स को आप एक साथ चलाते हो तो वो पूरा टैंक भरने में 7/8 hours लगेंगे. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank. Now let's suppose this is your tank. अब जो दो टैप्स हैं उनमें डायमीटर का भी फर्क है. देखो एक टैप है, लेट्स सपोज ये वाली, ठीक है, और एक टैप है ये वाली. अब यहाँ पे इन दोनों के डायमीटर में फर्क है. जिसका डायमीटर कम होगा अब उसमें से पानी भी कम ही आएगा ऑफकोर्स, और जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसमें से वाटर भी ज्यादा आएगा. सो वो कह रहे हैं कि जो बड़ी वाली डायमीटर वाली टैप है उसको इससे 2 घंटे कम लग रहे हैं. मतलब अगर इसको टैंक भरने में 10 आवर्स लगेंगे तो इसको 8 आवर्स लगेंगे. ओके, सो यहाँ पे ये चीज हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप विल फिल द टैंक सेपरेटली. अब हमें ऐसी टाइम निकालना है कि ईच, जैसे अगर ये वाली टैप बंद है तो इस टैप को पूरा टैंक भरने में कितनी देर लगेगी. सिमिलरली अगर ये टैप बंद है तो इसको कितना टाइम लगेगा. तो अगर हमने एक टैप ए ले लिया, एक टैप बी ले लिया, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे. सो सबसे पहले तो जो हमें निकालना होता है हमेशा उसको लेट कर लेते हैं. यहाँ पे लेट करते हुए ध्यान रखना है कि किस वाली को लेट करोगे, आप स्मॉलर डायमीटर वाली को करोगे या लार्जर डायमीटर वाली को. सो हमें गिवन है कि जो बड़ी वाली है वो छोटे वाली से 2 घंटे कम ले रही. तो अगर मैं छोटे वाले को लेट कर लूंगी तो बड़े वाले का भी आ जाएगा. सो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, इसको हमने नाम दे दिया स्मॉलर टैप, इक्वल्स टू एक्स आवर्स. तो हमने बोल दिया भाई ये जो छोटी वाली डायमीटर वाली टूटी है उससे हमें एक्स घंटे लगेंगे. नाउ टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, अब जो बड़ी वाली टैप है उसको कितना टाइम लगेगा, एक्स में से 2 माइनस कर दो. अगर इसको एक्स घंटे लगेंगे तो इसको एक्स माइनस 2 आवर्स लगेंगे. ओके, सो ये दो चीजें हमारे पास आ गई. और हमें क्या गिवन है कि दोनों को जब हम साथ में चला रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है. सो टाइम टेकन by both the taps together equals to कितने hours given है, 1 7/8. mixed fraction में normal fraction में convert कर सकते हैं, 8 1s are 8 plus 7 15/8. okay, so इसको दोनों को साथ में 15/8 hours लगेंगे. अब आपको याद है जब भी हम ऐसे work वाले questions करते हैं या normally इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी है हमारे पास ये सब चीजें हमारे पास हैं अज्यूम करके या जो गिवन है ये आ गया. अब हम सबका 1 आवर का निकालेंगे कि 1 आवर में कितना कितना टाइम लगेगा. सो 1 आवर में कितना टैंक का पोर्शन फिल होगा टैप स्मॉलर टैप से, तो स्मॉलर टैप को लगेंगे देखो पूरा भरने में एक्स आवर्स लग रहे हैं. तो अगर हम बोले 1 आवर में कितना भरोगे तो 1/x हो जाएगा. ठीक है, ये क्लियर है. इसी तरह से ये तो हो गया हमारा स्मॉलर टैप का. सो वी हैव टू ऑल्सो मेंशन कि ये हम बात कर रहे हैं स्मॉलर टैप की. इसी तरह से लार्जर टैप पे आ जाए हम तो उसको 1 आवर में कितना टाइम लगेगा, 1/x-2. ओके, सो इसको लगेंगे 1/x-2 आवर्स. अब दोनों को टुगेदर, अब ये जो दे रखा है ये तो ये दे रखा है कि पूरे टैंक में इतने घंटे लग रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में दोनों अगर साथ चल रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा. सो अगेन 1/15/8 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका और ये आ जाएगा 8/15 आवर्स. सॉरी 8/15 पोर्शन ऑफ टैंक फिल होगा, करेक्ट. सो अब यहाँ पे जो चीजें है अब ये याद रखना है कि जब भी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम 1 आवर के हिसाब से इक्वेशन को
फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखो 1 आर में अगर ये 1/x स्मॉलर वाली हो गई प्लस 1/x-2 लार्जर वाली हो गई. अब ये दोनों मिलके जो फिल कर रहे हैं 1 आर में, यहाँ का कितना है ये भी हमने देखा 8/50. सो ये हमने देखा स्मॉल टैप है वो इतना फिल करेगी एक घंटे में, जो लार्जर टैप है वो इतना फिल करेगी. और अगर हम कहें कि दोनों को कंबाइन करते, दोनों को एक साथ चलाए तो उसे 8/15 आएगा. सो यहाँ से आपको अपनी इक्वेशन मिल जाएगी. अब सिंपली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो व्हाट वी डू इज यहाँ पे इसको साथ में लेते हैं, दोनों को साथ रख लिया, ये हो गया एक्स, एक्स माइनस टू. सो इसमें ऊपर 1 है, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस टू प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स माइनस टू है, एक्स चाहिए इधर आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया 8/15. नाउ एक्स प्लस एक्स ये हो गया हमारा 2x एंड माइनस 2 बचा अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को x से किया एक्स स्क्वायर आ गया, देन x को 2 से किया माइनस 2x आ गया, इक्वल टू वही चलेगा 8/15. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 15 × 2 = 30x - 15 × 2 = 30 अगेन इक्वल टू 8 × x² 8x² माइनस 8 × 2 = 16x. ठीक है. सो नाउ अब ये हम पूरी अपनी वो बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया 8x² एक्स वाले दोनों इधर कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 16x ऑलरेडी है, इधर से लेके आएंगे ये हो जाएगा माइनस 30x और ये हो जाएगा प्लस 30 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ 8x² एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 46x, साइन आएगा माइनस का प्लस 30 = 0. ओके. सो नाउ फर्दर इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले तो यहाँ पे देखो अगर इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है हमें तो वो हम कॉमन निकाल देते हैं. सो इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है, यहां से हमने 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4x² - 2323x प्लस 15, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 0. अभी 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो है 4x² - 23x + 15 = 0. ये हमारे पास पूरी इक्वेशन हो गई. अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करें, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं. सो 15 × 4 = 45. सो हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए और प्लस माइनस करें तो 23 है, राइट. सो अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 15 × 4 = 60. सो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस माइनस करें तो 23 आए. सो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, सिंपली 3 × 6 होता है, तो 20 और 3 अगर मैं नंबर ले लूं, सो 20 + 3 हमारा 23 हो जाएगा एंड 3 × 6 तो मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा. सो दो नंबर्स हो गए 20 और 3. सो अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये 4x² एज इट इज. अब ये माइनस में चाहिए हमें तो माइनस में रखना पड़ेगा, -20x - 3x माइनस माइनस प्लस, तो इसको ये बन जाएगा +15 = 0. अब इन दोनों में 4 कॉमन है, x कॉमन है, सो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 तो बाहर चला गया, x² में से x बाहर चला गया, बचा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, x बाहर चला गया 5 बचेगा बिकॉज 4 × 5 = 20 होता है. अब यहां से देखेंगे तो -3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ये बचेगा x एंड यहाँ पे बचेगा -5 क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिए, इससे साइन चेंज हो जाएगा. ये दोनों सेम बना दिए, 4x - 3 हो गया और x - 5 हो गया. सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4 एंड यहाँ पे हमारे पास x - 5 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5. तो एक आ गया x = 3/4 और एक आ गया हमारे पास x की वैल्यू 5. अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज होगी. देखो x तो हमारे पास आ गया, अब ये हमें नहीं पता कि 3/4 आज लगे या 5 आज लगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो लार्जर टैब है हमें अभी x में से 2 माइनस करना है, तो अगर मैं 3/4 में से 2 माइनस करूंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. सो देयरफॉर
x की करेक्ट वैल्यू 5 होगी. सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x कैन नॉट बी इक्वल टू 3/4 एंड हेंस x इक्वल्स टू 5. और अगर x इक्वल्स टू 5 आ गया सो दिस मीन्स कि जो स्मॉलर टैप है हमारी उसको कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 5 आवर्स एंड लार्जर टैप इज x माइनस 2 आवर्स. सो दैट इज 5 माइनस 2 विच इज 3 आवर्स. ठीक है, सो हमें जो स्मॉलर वाली टैप है दैट इज गोइंग टू टेक 5 आवर्स और जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है दैट विल टेक 3 आवर्स. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सेट 2 एंड 3. अब इसके साथ आपके पास एक चॉइस में क्वेश्चन और है, सो वी विल कम टू दैट क्वेश्चन. सो नाउ ये क्वेश्चन है हमारे पास चॉइस में. अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सेट 2 एंड 3. सो द क्वेश्चन सेज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. तो 10 आवर्स में वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है. देन इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सेकेंड हमें केस दिए 13 आवर्स का. Determine the speed of the stream and that of the still water. So, आपको यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है और स्टिल वॉटर में बोट की क्या स्पीड होगी वो भी निकालनी है. सो हम लेट कर देंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर बी एक्स. तो हमने लेट कर ली एक्स किलोमीटर पर आर हो गई उसकी स्पीड बोट में, ठीक है, मतलब स्टिल वॉटर में, सॉरी. Then let the speed of stream be y kilometer per hour. So हमने यहां पे ले लिया कि उसकी स्पीड हमने ले ली स्टीम की y किलोमीटर. अब हम बात करते हैं जो हमारी बोट है उसकी स्पीड क्या होगी. दो चीजें हैं यहां पे, एक तो है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम. सो हमारे पास ये दो चीजें हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. अब इसमें होता क्या है, अगर आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और जो स्ट्रीम है मतलब पानी की जो स्ट्रीम है वो इसी डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है. लेकिन अगर आप बोट फ्लो कर रहे हो इस साइड में और जो आपकी स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो इस तरफ की है तो ये हो जाता है अपस्ट्रीम. ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं मीन्स स्ट्रीम की भी उसी तरफ है और आप भी बोट को उसी तरफ लेके जा रहे हो तब क्या होता है, आपको कम टाइम लगता है या जो आपकी स्पीड होती है वो एड अप हो जाती है बिकॉज स्टीम आपकी स्पीड को और बढ़ा देता है. लेकिन जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो इसका उल्टा होता है, आपकी स्पीड इस तरफ की है लेकिन स्टीम का जो फोर्स है वो इस तरफ जा रहा है तो वो आपकी स्पीड को कम कर देता है. सो अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात करें, सो डाउनस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, अभी हमने बात करी डाउनस्ट्रीम में स्पीड को वो एड ऑन कर देता है, जो आपकी एक्चुअल स्पीड है उसको बढ़ा देता है. सो वो हो गया एक्स प्लस वाई. स्टिल वॉटर में जो स्पीड है और स्टीम की स्पीड जो है वो दोनों मिल जाएंगे. सिमिलरली अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, सो अपस्ट्रीम की जब स्पीड होती है वो क्या करेगी कि जो आपकी एक्चुअल स्पीड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो जो आपकी स्पीड है उसको कम कर देगी तो ये हो जाएगा x माइनस वाई. ओके, यहां तक समझ में आया. अब नेक्स्ट चीज हमें डिस्टेंसेस दे रखे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमें ये पता है कि अपस्ट्रीम उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया तो यहां से हम टाइम निकालेंगे. ये चीजें आपको ये बस याद रखना है कि पहले हमने लेट कर लिया, सेकेंड चीज हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल दी, देन हमें टाइम फाइंड आउट करना है. सो अब टाइम फाइंड आउट करने का रीजन क्या है कि दोनों का हमें टाइम गिवन है, राइट. सो टाइम टेकन टू ट्रैवल कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम दे रखा है तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम की बात हो रही है तो देखो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है x माइनस वाई. ओके, सिमिलरली टाइम टेकन टू ट्रैवल नेक्स्ट हमें दे रखा है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सो डाउनस्ट्रीम में
फॉर्मूला तो देखो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस हो गया 44 और स्पीड हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमने टाइम निकाल लिया। सो अब आगे मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूं इससे, बिकॉज इट इज गिवन कि टाइम दोनों को कितना लगा है, तो टाइम टुगेदर हमें गिवन है। सो व्हाट आई कैन डू इज इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि 10 आवर्स लगे। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेम यही चीज हमें 13 आवर्स के लिए भी दे रखी है। सो केस टू, अब जब हम बात कर रहे हैं 13 आवर्स की, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो अभी भी सेम ही रहेगी, बट यहाँ पे T1 जो होगा हमारा टाइम 40 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 40 अपॉन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है एक्स माइनस वाई, सो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमारा 55 किलोमीटर के लिए, अब 55 किलोमीटर क्या है डाउनस्ट्रीम है, सो डाउनस्ट्रीम है तो ये हो जाएगा 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, बिकॉज डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो अगेन सेम चीज है यहाँ पे भी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, टाइम निकाला है हमने, सो इन दोनों का टाइम कितना है 13 आवर्स, सो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 13। ओके, सो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो जब भी हमारे पास इस टाइप के आते हैं, जैसे आप देख सकते हो दोनों में अपॉन में यहाँ पे भी एक्स माइनस वन है, इधर भी एक्स माइनस वन है, इधर एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। सो हमने दो चीजें लेट कर ली कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यू है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वी है। सो अगर ये वैल्यूज है इसकी, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये क्या है 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज यू, सो ये हो जाएगा 30 यू प्लस 44, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है v, सो प्लस 44 v इक्वल्स टू 10। ओके, ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहां वाली इक्वेशन भी ऐसे करेंगे, तो ये 40 u हो जाएगा, 40 u प्लस 55 v इक्वल्स टू 13, सो लेट्स नेम इट थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अब इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मुझे यहाँ पे या तो मैं यू सेम बनाऊंगी या वी सेम बनाऊंगी, सो यहाँ पे 30-40 है, 4-3 = 12 होता है, सो मैं थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, ताकि मेरे पास यू वाले सेम आ जाए। देखो भाई बेसिक एलिमिनेशन है जो आप पढ़ के आए हुए हो, सो मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 4 एंड फोर्थ इक्वेशन बाय 3। ठीक है, ये मतलब फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को नहीं करना, 4 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो ऊपर वाली को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4-3 = 12, ये आ गया 120 u प्लस 4-4 = 44 इंटू 4, यहाँ पे करके देख लेते हैं 44 इंटू 4 विल बी 4-4 = 16, 16 + 1 = 17, सो ये आ गया प्लस 176 v इक्वल्स टू, इससे भी करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 40। अब आप चाहो तो उसको इसी साइड लिख दो, तो -40 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। देन वी हैव फोर्थ इक्वेशन जिसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4-3 = 12 अगेन, सो 120 u प्लस 55 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 55 इंटू 3 विल बी 5-3 = 15, 5-3 = 15 + 1 = 16, सो वी हैव 165 v एंड अगेन यहाँ पे 13 को 3 से करेंगे 39 आएगा, इधर करेंगे हो जाएगा -39 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 1
and this will be 7 minus 6 is 1, this will be 0, to 11 V plus minus minus, बड़े वाले के साथ minus का sign है तो minus आएगा, 40 minus 39 is 1, so this is equal to 0, तो यहां से मेरे पास V की value आ जाएगी, so I have to wrap this part, तो आपको अगर इसे note down करने तो आप video को अभी pause कर सकते हो and you can note it down. हाँ जी, तो हमारे पास है 11V minus 1 equals to 0, correct? So यहाँ पे V की value आ जाएगी, 1 इधर जाएगा, plus 1 upon 11, so V की value क्या आ गई? 1 upon 11, similarly अब V की value से आप U की value find कर सकते हो, तो V से यहाँ पे हमने V निकाला, इनमें से किसी भी equation में V की value put कर दो, third equation में कर लेते हैं, हमारे पास है 30U plus 44 V equals to 10, so ये रहेगा 30 U as it is plus 44, V की जगह आ जाएगा 1 upon 11 equals to 10, so ये हो गया 30 U plus 11 से ये cancel हो जाएगा, 4 equals to 10, so 30 U equals to 10 minus 4 हो जाएगा 6, so U की value हो जाएगी 6 upon 30, which will be 1 upon 5, so हमारे पास U आ गया 1 upon 5, U आ गया, V आ गया, लेकिन find क्या करना है, find हमें X और Y करना है, ना कि U और V, अब U और V की values हम इसमें put कर देंगे, so we know that 1 upon X minus Y equals to हमने U let किया था, तो ये हो जाएगा 1 upon X minus Y equals to U क्या है, 1 upon 5, cross multiply कर देंगे, X minus Y equals to 5 आ जाएगा, ये आगे new equation, इसी तरह से 1 upon x plus y को हमने v let किया था, तो 1 upon x plus y equal to हो गया 1 upon 11, again cross multiply करेंगे, x plus y equals to आ गया 11, so ये हमारे पास अब दो equations आ गई, again x और y की value find करने के लिए आपको इन दोनों equation को solve करना होगा, so again I have to wrap this part, अगर आपने इसे note down नहीं किया, so आप अभी वीडियो को pause करके इसको note down कर सकते हो. So, x minus y और x plus y equals v जो values है, इसको लिख लेते हैं, x minus y equals to 5 है, x plus y equals to 11 है, अगेन इसको solve करेंगे, y से y cancel हो जाएगा, this is going to be 2x, and ये हमारा हो जाएगा 11 plus 5, 16, so x की value आ गई 16 upon 2, means x equals to हमारे पास आ गया 8, तो अब x की वैल्यू 8 आ गई, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल के हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x minus y equals to 5 है, x है हमारा 8, minus y equals to 5 again, minus y इधर ही रहेगा, 5 minus 8 हो जाएगा, right, so यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5 में से, oh sorry, 8 में से 5 minus करेंगे, we'll get 3 minus का, यहाँ minus y है, minus से minus cancel हो जाएगा, so y की वैल्यू आ गई 3, so x और y हमें find करना था, हमने let क्या किया था, x थी speed of boat in still water, तो speed of boat in still water में क्या आ गई, this is 8 kilometer per hour and y which was the speed of stream that is 3 kilometer per hour, okay, so ये दो चीजें हमें इस question में find out करने, so this was question number 23rd of set 1 and question number 29 of set 2 and 3, let's move to the next question.